गाइस मीट भगत जी। अरे भगत जी देखिए चींटियों को ना मार दिए ऐसे ही था ना वो कुछ सीन जिसे वो मेरे तक आएगा था। मैं भगत जी है ना क्या सीन था ऐसे पानी तो दे करता। अरे देखिए कभी चींटी ना मर जाए भगत जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक होगे और मजे कर रहे होंगे। क्या सीन था वो चींटी का धाकर छोड़ा वो चींटी ने कुछ ऐसा ही कुछ है वो। हाँ वो पानी देता रहा है तो फिर उन्होंने कहा मतलब उसका जो बड़ा भाई धाकर छोड़ा का क्या कह रहे चून डाल है चींटियों के ऊपर। हाँ फिर वो क्या कह रहा है उससे कह रहा है देखिए भगत जी क्या कह रहा है वो भगे है जो वही डाले कर ना चून चांद डाले कर वो भगे कुछ कामयाब आ जाओ उसे। हाँ। जब कह रहा भगत जी आराम से कर चींटियों ने ना मार वो भी यार मार सीन है जो मेरे तक कहेगा तो भाई वो इसके जैसा मतलब मेरे जैसा भगत जी जैसा। हमारे भगत जी कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं हम आज अपना सारा उसका तैयारी कर रहे हैं। यार मैं आज कर रहा था क्या बोलते हैं इसे जो टास्क था वो टास्क मैं भी तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ क्या था प्रॉपर। तुम लोगों को वैसे पता चल चुका है पर फिर भी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही है मम्मी मतलब मैं तो चलो मैर पटियाला तो फिर भी थोड़े से काले काले से यो कैसे बनेगा दांतला है तो काले काले ही जरूरी है कोई बुरा ना बन सके। अरे ना बने ना यार फिर वो दिखे आदमी की नकली कर रहा है मतलब शक्ल थी पता चल जावे तो हमें थोड़ा सा मेकअप वेकअप करवाना पड़ेगा। हाँ तो जब तो यही तो दिक्कत है कि मैर पटियाला तो जम जाएंगे चलो इस चीज में यो ना जमेगा तो अभी देखते हैं इसका कुछ या तो कोई मेकअप आर्टिस्ट बुला के या कुछ भी। अभी तो मैं पूरा सीन समझाता हूँ थोड़ी देर बाद बाहर चल गई। अगर आप लोग डेली व्लॉग्स देखते हो तो आपने देखा होगा मैं यहाँ पे कई बार ये कबूतर दिखाता रहूँगा। आज मेरे को पता चलिए कि मम्मी यहाँ पे खाना रखे है इनके लिए इसलिए ये आ मैं रोज रोज और मैं अभी तक ये बहम में था। मैंने कहा यार इस पॉइंट पे क्यों बैठे रहे हैं ये पता बीट सी कर रखी है ये कर रखी है यहाँ भी कर रखी है ठीक है पर ये कबूतर आना खाना खाने के लिए मम्मी ने पानी भी रख रखा है यहाँ। एनीवेज मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। तैयार क्या हो चुका हूँ मैं यार मैं थोड़ा सा असमंजस में हूँ कि हम कॉस्ट्यूम का कैसे करें मतलब भीखा हम बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि रेड लाइट पे हम एक टास्क करेंगे भीख मांगने वाला उसकी सारी डिटेल्स मैं तुम्हें अभी बताता हूँ लेकिन उसके लिए कॉस्ट्यूम्स और ये मेकअप वाला मतलब मैंने अभी शीशे में दीजिए साहब तो देखा मेरे जो पुराने कपड़े बैठे मैंने वो पहन के देखे ट्राई करके देखे पर उनमें मैं भिखारी सा लगा ही ना तो मेरे को बस ये डाउट जा रहा है कि अगर प्रॉपर लगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा और लोग पहचानेंगे ज़्यादा तो फिर वो भी फन नहीं रहेगा तो उसका कुछ हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और उसके लिए मेरे को चाहिएगा थोड़ा सा तो कुछ मेकअप वगैरह का कुछ मतलब कोई या तो मेकअप आर्टिस्ट बुलाऊं कि भाई मेकअप ऐसा कर दे कि भिखारी सा ही लगे देखने में इंसान और दूसरा चाहिए कपड़े पुराने फटे हुए टाइप के तो या तो कुछ कपड़े फाड़ने पड़ेंगे या देखता हूँ क्या होएगा हिसाब। देखो इस बात की गारंटी है कि जब ये जीन्स आई थी तो ये फैशन था कुछ पर पता ना अब इसका ये क्या हाल हो रहा है यो या तो यो अंदर तो यो ऐसा था यो बाहर निकल गया है ठीक है या पता ना क्या सिस्टम है अब ठीक लग रहा है पर जब इसे बैठूँ ना तो फिर बाहर निकल जाए तो इसका मतलब या तो ये खराब हो गया या पता ना ये ऐसा ही था क्योंकि ये पैंट मैंने ज़्यादा पहन ही ना है तो इसलिए यार फिर बाहर निकल गया तो इसका मतलब खराब ही हो गया भाई पर पहन ली तो आज तो पहन लेता हूँ इसके बाद फिर वो यो टास्क में काम आ जाएगी इसमें भिखारी से ही लगूंगा देखना लगाऊँ फटी वोड़ जींस में। हाँ मत कर देना कमेंट में कोई सा भी ठीक है। स्विफ्ट की चाबी घर पे रखी है लेकिन गाड़ी जो है वो खड़ी है ऑफिस पे तो मेरे को ऑफिस पर जाके उठानी पड़ेगी कई दिन तक मैं वहाँ छोड़ आया था फिर रात को पता ना पटियालार के साथ जने जितने साथ में आ गए थे फिर इस चक्कर में गाड़ी वहीं रहेगी और चाबी यहाँ आ गई थी। और जो हमारी BMW है उसमें पता ना उसका कुछ कूलेंट वूलेंट डालना था वो जितने लेने अभी लेकर ना आया तो वो डालना तो वो नीचे पार्किंग में खड़ी है इसलिए वो ना लेकर जा रहा तो मैंने कैब बुक कर ली है कैब आ रही है कैब से मैं जाऊँगा ऑफिस तक और ऑफिस के बाद वहाँ जाने के बाद वही उठा के फिर निकलूँगा थोड़े से या तो कुछ कपड़े लेके आऊँगा जो ऐसे से लगे हैं जिन्हें गंदा करके ऐसा लगे कि भिखारी वाली कॉस्ट्यूम सी बन जाए या फिर देखते हैं एक बार क्या होएगा क्या नहीं होएगा। एक आध एक अपना दोस्त है सैलून वाला तो उससे बात कर कहूँगा कि भाई तू कुछ कर सकता हो तो शक्ल पे कुछ ऐसा मतलब मेकअप वेकअप करके कि लगे कि आदमी कुछ है क्योंकि टास्क में तभी मज़ा आएगा जब थोड़ा सा रियल सा लगेगा अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा कि गलत जा रहा है वैसे तो कोई दिक्कत ना आएगा अगर उसमें भी लगे कि मतलब भिखारी ना भी लग रहे हैं तो भी मांग रहे हैं तो वो एक तरह से वैसे वही लगेगा फनी सा ही लगेगा कि यार ये ठीक ठाक से बालक भी क्यों मांग रहे हैं पर फिर भी अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि सही हो। किसकी आवाज़ आ रही है भाई खाने के चक्कर में देखो कैसे लड़ाई और अरे मेरी आवाज़ सुन रहे हाँ हाँ मार मार बेटे जीतेगा भाई चैंपियन गाइस। चलो मैं आ रहा हूँ एक बार है स्विफ्ट लेकर आऊँगा ऑफिस पर ठीक है मम्मी कैश नहीं था तो मैंने मम्मी के पास में था 400 रुपये निकाल लिए इतने ही चाहिए मेरे को फिर तो मतलब अगर कुछ वैसा हो कि भाई कार्ड से पेमेंट हो जाएगी फिर तो मेरे पास पर्स है हाँ है लेकिन तुम्हारा भाई कैश ना रखे 1 रुपया भी तो इस चक्कर में मैंने सेफ्टी के लिए क्योंकि ये कैब वाले बेचारे इन पर रहे तो है ना मतलब कार्ड का पेमेंट होना सका मैं वो यूज़ ना करता ऑनलाइन कुछ भी पेटीएम तो इस चक्कर में मैंने कैश ले लूँ वरना परेशान हूँ मैं कि सर मैं कहाँ से दूंगा कहाँ से ले दूंगा।
हमारे ऊबर वाले ओवर स्मार्ट भैया B2 की जगह B9 पे जाकर खड़े हो गए। मैंने कहा भाई इन्हों कह रहा B2 भैया यही लोकेशन दिखा रही थी, जबकि लोकेशन B2 की दिखा रही थी 110% हर बार यही दिखावे, पर फिर भी मैंने कहा चल कोई बात ना, आगे एग्जिट वाला जो गेट है वहाँ के वहाँ खड़ा हो जाए, मैं आ रहा हूँ वहीं पकड़ूंगा अब उसे। अंकल जी क्या हाल है आपके? बढ़िया ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल ओके। आगा भाई शदाब, आगा हमारा शदाब, रोक ले ढीले आदमी। कहाँ चला गया था भाई? 150। ये लो ये खड़ी अपनी गाड़ी, लेकिन पहले एक बार अगर यहाँ तक आ गया हूँ तो फिर ऊपर ऑफिस में भी एक बार धोख मार के आनी चाहिए। जब आपके फोन में बैटरी 3% हो और आपकी गाड़ी में, क्योंकि ये इसका चार्जर वैसे वाला ना, ये क्या नाम है ऐसा सी टाइप लगता है जो यहाँ पे, तो ये गाड़ी में लग नहीं सकता। सी टाइप के उस चार्जर के चक्कर में 15 मिनट वहीं बेड पे स्टैचू बैंड बन के बैठना पड़ा, तब जाकर भी 20% मतलब 20-25% को चार्ज हुआ है। अब निकलते हैं कहीं। अरे ये क्या लिख रखा किसी ने भाई हमारी गाड़ी के पीछे? इंस्टा आईडी बिग फैन, अरे भाई साहब बिग फैन मनीष भाई, इंस्टा आईडी मिटा दी भाई इसने। कौन था भाई जिसने भी ट्राई करा था? ट्राई अच्छा था पर क्या करें, किसी ने मिटा दिया, पता ना तुमने खुद ने मिटाई है। चलिए जी लेट्स गो, काफी दिन बाद स्टार्ट हुई है बेचारी। ओहो धुंध है, तो धुंध ना है, बस 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 बस। मुंह में किरकिराट, अरे रुक जा यार, मुंह में वैसे किरकिराट सा नमच कर वो होगा मेरे तो। एक काम करूंगा, अभी जो रेड लाइट आएगी मतलब वहां पे जैसा जो ये कुछ जैसे मांगने वाले जो लोग रहते हैं, थोड़ा सा उनके कपड़े वपड़े थोड़े से नोटिस करूंगा किस हिसाब के होते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सर्दियां पड़ रही है और वैसे भी फटे हुए कपड़े जितना मेरे को याद आ रहा है, फटे हुए कपड़े तो कोई ना पहनता। हाँ बस ये है कि पूरे कपड़े पहन के जैकेट वैकेट सी उनकी वैसी रहे, थोड़ी ज्यादा पुरानी या मैली सी कह लो, उसके ऊपर कंबल वंबल कुछ ओढ़ लें अगर तो शायद बात बन सकती है। बाकी एक बार मैं देखता हूँ रेड लाइट पे किस टाइप का हिसाब रहेगा। देखो इस चीज से दूर दूर तक मेरा कोई लेन देना ना है, बस ये एक चीज मतलब जो ये टास्क मैं कर रहा हूँ या हम सब करेंगे, ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सा करने का एक वो था, मूड था, काफी टाइम हो गया मतलब कुछ भी हमने ऐसा इंटरेस्टिंग सा कोई टास्क वास्क करा ना था, आप लोग भी मिस कर रहे हो मैं भी मिस कर रहा हूँ, तो मैंने कहा एक बार करके देखते क्या पता थोड़ा सा मजेदार और फनी सा बन जाए, नहीं बना तो भी देखी जाएगी, कल एक बार ट्राई करके देख लेंगे। करना आज ही था लेकिन आज पटियाला की थोड़ी तबीयत खराब थी, एक तो कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस चक्कर में व्लॉग भी नहीं डाल पाया, और जतिन कहीं गया था आज, तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा चल सब कोई थोड़ा थोड़ा सा कुछ काम है तो एक काम करते कल कर लेते, कल संडे भी है कोई दिक्कत परेशानी ना रहेगी। रेड लाइट में मैं सोच रहा था रुकने का टाइम मिलेगा, ये तो रुक गए रेड होगी, शाबाश वेरी गुड। मुझे तो यहाँ बस पुलिस वाले दिख रहे हैं और तो कोई अभी तक आया ना, पूरा माहौल खाली सन्नाटा सा हुआ पड़ा है। अरे कोई तो आ जाओ, कुछ तो कपड़े वपड़े दिखा दो, कैसे पैर रख के भाई। कुछ लोग जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे या कुछ वैसे से होंगे ना जो हेटर्स टाइप, वो ये भी कहेंगे भाई तुम लोग इनका मजाक उड़ा रहे हो, ये बेचारे गरीब होते हैं। भाई हम मजाक नहीं उड़ा रहे, पहले ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ सबको, सिर्फ एक टास्क है उसको थोड़ा सा फनी बनाने के लिए मतलब थोड़ा सा मजाक मस्ती के तौर पे करा जाएगा, जो भी करा जाएगा कोई ये मत सोचना कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात है ना, ठीक है। तो कुछ लोग जो होंगे, कुछ लोग तो 110% जो हेटर्स रहे हैं वो करेंगे ऐसे ऐसे मैसेज कमेंट करेंगे, तो उनके कमेंट के जवाब ना तुम ही दोगे, अपना आप दे देना ठीक है, जिस हिसाब से तुम्हें देना अच्छा लगे उस हिसाब दे देना, मैं किसी से कुछ ना कह रहा। एक तो ये दिन कब कब में खत्म हो जाते हैं भाई, पता ही ना चल रहा है, ऐसे वो चल रहे हैं बस, क्या ही बताऊं, मैं तो दुखी हूं सच में बहुत ज्यादा। जो लोग नाखून खाते हैं वो मेरा दुख समझ पाएंगे, ये देखो यो इधर साइड से मैंने ज्यादा खा लिया, अब ये नाखून के चक्कर में ना ये चिट सी पड़ गई, अभी इसमें दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, सोच भी गया हल्का सा, पर क्या कर सकते हैं। तो सीन बता देता हूं मैं तुम्हें, फाइनल क्या है भाई, देखो सब कुछ डिसाइडेड है ठीक है, कल मैं जतिन और पटियाला हम तीनों लोग टास्क करेंगे रेड लाइट पे भीख मांगने का, ठीक है। अब जो ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लेगा वो जीत जाएगा, हारने वाले के लिए एक सजा होगी, वो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा सारी चीज डिटेल्स में, हम पैसे इकट्ठा करेंगे उसका भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सारी चीजें तुम्हें कल डिटेल में जो पहला व्लॉग डालूंगा उसके लिए 3 एपिसोड बनेंगे, कि 1 घंटा जैसे मैं मांगूंगा तो मेरा, फिर जतिन का, फिर पटियाला का, तीनों का ऐसे ऐसे करके, अब देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मतलब बहुत ही थोड़ा अजीब सा ही टास्क है, मतलब थोड़ा क्रेजी सी चीज होगी, बताना क्या सीन बैठेगा, कल का कल पता चलेगा। फिलहाल तुम्हें इतना बता दिया कि कल ये वाला टास्क हो जाएगा हमारा शूट, जिसको मैं कल 1 एपिसोड डाल लूंगा, उसके बाद परसों तरसों मतलब 3 दिन में खत्म हो जाएगा सारा का सारा। अगर थोड़ा सा छोटा बन रहा हुआ तो हो सकता है कि मैं एक साथ सारे डाल दूं, थोड़ा सा कमेंट्स में बता देना तुम कैसे करूं कि एक साथ डाल दूं तीनों के या फिर अलग अलग, मेरे हिसाब से अलग अलग ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें यह देखने को मिल जाएगा भाई एक जने ने की करा एक जने की करा, और फिर ज्यादा लंबा 1 घंटे का डाल दिया तो फिर वो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं 15-20 मिनट का जो एक बंदे का होगा वो इकट्ठा करके डालूं, ऐसा कर करके 3 डाल दूं ठीक है, बाकी तुम कमेंट्स में बता देना। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, अगर आपने यहां तक वीडियो देखे तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।